गाइज मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ सोलो टूर्नामेंट और सामने भाई देखो कितना ज्यादा खतरनाक बंदा आ चुका है। ओके ये ले बेटे बंटे प्ले। चलो ठीक है भाई सामने में, अरे MP40 अबे यार रिकॉइल मार गई भाई पूरी की पूरी। ये क्या भाई फेस वेस दिखा रहा है गाइज ये बंदा तो। ठीक है भाई अब अनलिमिटेड वाले, अरे यार हर एक में ये क्या है भाई। ठीक है भाई अरे यार फिर से मर गया भाई। ठीक है भाई इधर से बदला लेता हूँ और ये यहाँ पर खतरनाक सा बन टैप। गाइस एक दिन मैं ऐसे ही यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था, मेरे सामने एक वीडियो आती है जिसमें एक बंदा भाई सोलो टूर्नामेंट खेल करके भाई बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर रहा था। तो मेरे दिमाग में भी आइडिया आता है कि भाई मैं भी क्या अर्निंग कर पाऊंगा। मैं गाइस एक सीक्रेट एप्लीकेशन डाउनलोड करता हूँ जिसमें गाइस टूर्नामेंट होते रहते हैं, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम भी वहाँ से जाके टूर्नामेंट खेल सकते हो। उस एप्लीकेशन में डाउनलोड करने के बाद गाइस मैं वहाँ पर सोलो टूर्नामेंट खेलता हूँ लोन वुल्फ के क्लैश स्क्वाड के BR के, एंड उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर क्या पैसे अर्न कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में ऐड करता हूँ 35 रुपये, क्या 35 रुपये को मैं भाई 150 रुपये बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा ये वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आप लोग पर डे का कितना अर्निंग कर सकते हो टूर्नामेंट खेल के, सोलो का BR का इस तरीके से टूर्नामेंट खेल के कैसे आप लोग अर्निंग कर सकते हो पूरा इस वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। बहुत खतरनाक मैचेस गए हैं, पूरी वीडियो को एंड तक देखते रहना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। चलो गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर पहले मैच में एंट्री ले लेता हूँ जो कि मेरा पहला मैच होने वाला है लोन वुल्फ। और गाइस मैंने यहाँ पर 35 रुपीज़ ऐड करे हैं, बट गाइस मेरे को डर लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर सीधा हारूंगा तो सीधा 30 के 30 जाएंगे। बट गाइस फिर भी मैं यहाँ पर एंट्री कर लेता हूँ, अपना नाम यहाँ पर डाल देता हूँ इन गेम, और गाइस यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और ओके पे दबा देता हूँ। ओके पे दबाने गाइस यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो कन्फर्म एंट्री हो चुकी है। तो गाइस मैच का आईडी पासवर्ड मेरे को आ चुका था यहाँ पर ऊपर की साइड में आप लोग देख सकते हो। तो गाइस मैं यहाँ पर फटाफट से गेम में जाता हूँ और यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल करके भाई पासवर्ड डाल देता हूँ 00 पासवर्ड था। तो ज्वाइन करने के बाद सामने गाइस यहाँ पर बंदा आ चुका था और मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था भाई, क्योंकि मैं भाई फर्स्ट टाइम लोन वुल्फ का टूर्नामेंट खेल रहा था, वो भी भाई 30 रुपये वाला। भाई 5-10 रुपये के तो बहुत सारे खेले हैं, बट फिर भी गाइस कॉन्फिडेंस से खेलेंगे, फुल ट्राई करेंगे जीतने का। हार जीत तो भाई लगी रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी गाइस पहला राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और सामने वाला बंदा गाइस पता नहीं कौन सी गन लेगा, मेरे को तो एकदम डर लग रहा था। तो देखते हैं गाइस सामने वाला बंदा जो भी गन लेता है उसे खेलना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर भाई फुल रेडी था, फुल कॉन्फिडेंस में मैं था यहाँ पर। तो भाई सामने वाले बंदे ने यार AWM ले ली, जो कि भाई मेरे को बिल्कुल भी चलानी नहीं आती, मतलब बिल्कुल तो आती है बट भाई मेरे को डर लग रहा है पता नहीं क्यों AWM चलाते वक्त, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से चलाई नहीं है। फिर भी गाइस ट्राई करेंगे इसको मारने का। और भाई यहाँ पर ये बंदा कहाँ चला, अरे ये रहा भाई। तो मैं यहाँ पर तत्सुआ लगाता हूँ, भाई एम नहीं लगा पाया मैं, बंदा भाई तत्सुआ यूज़ कर रहा है, भाई टिप्स एंड ट्रिक्स तो उसके पास भी है। और मेरी ग्लू वॉल क्यों नहीं लग रही है, फिर भी ट्राई करते हैं AWM से, नहीं लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आ चुका है एक, 150 मैंने मार दिया, बट अरे यार इसने मेरे को मार दिया है, कोई बात नहीं। चलो गाइस सेकंड राउंड में कमबैक करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस यहाँ पर सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका था और सामने मेरे बंदा आ चुका था फुल कॉन्फिडेंस में, एक AWM मारी और दूसरी AWM भी मारने वाला हूँ। भाई ये कितनी मूवमेंट दिखा रहा है और इसके साथ में खत्म भाई, मतलब भाई बंदे को डर ही नहीं है पूरा, मतलब खुले में आके भाई AWM मार रहा है। पता नहीं एक तो गन खतरनाक सी ले ली है इसने और ऊपर से भाई मेरे को डरा रहा है। कोई बात नहीं गाइस 1-1 का स्कोर हो चुका है और अभी भी भाई मेरे को डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। मैं यहाँ पर XMAT ले लेता हूँ और UMP ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस है भाई इन दोनों गन पे, और देखते हैं भाई क्या होता है इस वाले राउंड में। ओके तो गाइस यहाँ पर इसने मेरी काफ़ी ज़्यादा HP डाउन कर दिया और भाई ये ग्लोबल फोड़ने में लगा हुआ है, पता नहीं बंदा मतलब क्या करना चाह रहा है, ऊपर की साइड से आ रहा है। फटाफट से मेडिकेट लगाता हूँ और बाहर निकलता हूँ। भाई फ्लैश बैंक भी मार दी इनने, फ्लैश बैंक सॉरी ये धुएं वाला ग्रेनेड ठंडा करने वाला ये मार दिया। भाई सामने बंदा हेड मार रहा है, भाई AWM मार रहा है मेरे को, भाग गया भाई, तत्सुआ लगा रहा है भाई बहुत तगड़ा, कहाँ चला गया भारी है, इधर है इधर है इधर है इधर। ओके ओके ये रहा भाई और इसके साथ में ख़त्म भाई साहब, 2 राउंड मैंने यहाँ पर निकाल लिया और भाई मैं यहाँ पर जीतने वाला हूँ कस्टम इसके साथ में। गाइस मज़ा आ रहा है फुल, अब देखते हैं भाई 3 राउंड में ये बंदा क्या करता है। ओके गाइस यहाँ पर ये बंदा भाई आ चुका है सामने, इसको ट्राई मारूंगा हेड मारने का और एक हेड लग चुका है भाई, ये कसम से एक HP का जाता हूँ रस करता हूँ और ख़त्म भाई साहब, नेक्स्ट लेवल गाइस। यहाँ पर 3-1 का स्कोर हो चुका है और अगर मैं जीतता हूँ तो भाई मेरे यहाँ पर 30 से डायरेक्ट 55 रुपीज़ हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं 3-1 का स्कोर हो चुका है, अब बस मेरे को इसको कमबैक नहीं करने देना। अब इस राउंड में देखते हैं भाई सामने वाला बंदा गन लेने का, उसकी चांस आ चुका है, देखते हैं भाई वो बंदा क्या गन लेता है। तो गाइज यहाँ पर इस बंदे ने M10 ले ली जो कि मेरे को बहुत कम आती है चलानी, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। यार मैंने इतनी सारी गोली मारी, ये मरा क्यों नहीं भाई, थोड़ी सी HP से बच गया और भाई ये राउंड चला गया, इसने कमबैक कर लिया, मेरे को तो डर लग रहा है पता नहीं क्या होगा, पर देखते हैं भाई इस राउंड में भी वैसे M10 होने वाली है। इस बार ना गाइज मैं थोड़ी सी स्ट्रेटजी लगाऊंगा, देखते क्या होता है, मैं इसके ऊपर ना फ्लैश बैंक मारने की कोशिश करूंगा, अगर ये मर जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आ चुका है बंदा भाई, सीधा रस कर रहा है और यहाँ पर भाई ग्लू वॉल डाल लिया मैंने, भाई भाई रिलोड पे कैसे आ गई इतनी जल्दी। चलो हील करने गया है बंदा, कहाँ पे चला गया यार ये। ओके भाई ये वाला पैड से भाई बहुत ज़्यादा हेल्प होती है,
रश करते हैं और सीधा भाई इसको, और भाई ख़त्म भाई की गोली में। इसके साथ में गाइस 4-2 का स्कोर, मैं जीतने वाला हूँ गाइस। यस गाइस, हमारा टारगेट है 150 रुपये का, क्या हम लोग कर पाएंगे देखते हैं क्या होता है नहीं होता हमारा टारगेट कंप्लीट। राउंड स्टार्ट हो चुका है गाइस, 4th राउंड स्टार्ट हो चुका है। इस राउंड में मैं ले लेता हूँ इस कट्टा और एक ले लेता हूँ यूजी, और बस गाइस यही गन ले लेता हूँ। और कुछ ले लूँ क्या, क्या लूँ थॉमसन ले लेता हूँ, चलो बहुत बढ़िया। और भाई यहाँ पर ट्राई करते हैं इसको मारने का, गेम फिनिश करना है क्योंकि भाई कम बैक करा तो सीन हो जाएगा। ओके गाइस यहाँ पर रश करते हैं, मैं सीधा भाई इसको मारने की कोशिश करूँगा। भाई 2 गोली तो मैंने चलाई है बट इसको डैमेज नहीं लगा। थॉमसन से ट्राई करते हैं, थोड़ा सा दिख रहा है बंदा, भाई बंदा तो तेज है ये थोड़ा सा ज़रूर। भाई साहब नहीं दिख रहा है गाइस, गेम प्ले तो खतरनाक है भाई सामने वाले बंदे का। ट्राई करते हैं पीछे जाने का, भाई सामने आ चुका है, एक छोटा सा हेड लगा है भाई, लगभग ये 50 का डैमेज होगा। रश करते हैं इसके ऊपर, भाई हील कर रहा है बंदा, चलते चलते हील कर रहा है क्या भाई, ये इधर पे खड़ा है भाई, नूबड़ा है क्या, डैमेज मारा है भाई, 1 गोली का बचा है भाई बंदा ये। अरे यार अब कैसे मारूँ भाई इसको, ये तो भाई मेरे को डरा रहा है यार, क्या करूँ भाई। अरे 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 इनने तो, अरे यार इनने तो अपने ऊपर ही मार ली गाइस। और इसी के साथ में गाइस हमारा पहला ही मैच भाई भुया हो चुका है न्यू एप्लीकेशन में। और भाई देखते हैं भाई इसके पैसे क्रेडिट करते हैं अभी या नहीं है। तो गाइस पैसे तो इन्होंने क्रेडिट मेरे अकाउंट में कर दिए थे 5 मिनट बाद ही। और भाई अब ज्वाइन करते हैं कोई सा तो टूर्नामेंट ज्वाइन करते हैं, शायद मैं करूँगा क्लैश स्क्वाड का अनलिमिटेड वाला, क्योंकि मैं अनलिमिटेड ठीक ठाक खेल लेता हूँ। तो गाइस CS अनलिमिटेड वाले मैच का तो गाइस ID मेरे पास आ चुका है, पासवर्ड डाल के भाई फटाफट से गेम ओपन करते हैं। और भाई यहाँ पर चलते हैं टूर्नामेंट के अंदर और यहाँ पर ID डालते हैं और भाई एंट्री ले लेते हैं और स्टार्ट करने का वेट करते हैं 00 पासवर्ड था। ओके गाइस हमारी एंट्री हो चुकी है और सामने भाई खतरनाक सा बंदा है यार, ये तो SK सबीर भाई साहब क्या नाम रखा है बंदा यार। तो गाइस मैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था और भाई ये बंदे ने मेरे भाई आते ही सीधा AWM मार दी। और ये बंदा भाई इतना ज़्यादा तगड़ा खेल रहा था ना, मैं क्या बोलूँ यार, मेरी तो फट गई थी भाई इसको मारते मारते। मैं यहाँ पर बैक होके भाई बड़ी मुश्किल से इससे बचता हूँ भाई, एक तो मेरे से मूवमेंट हो नहीं रही थी, मैं इतने दिनों बाद गेम खेल रहा था, बट फिर भी भाई मैं इसको भाई बड़ी मुश्किल से भाई इसको यहाँ पर भी डैमेज देता हूँ। एंड ये बंदा भाई बहुत ज़्यादा तेज़ खेल रहा था गाइस, एकदम सुपर स्पीड से रश कर रहा है, वो कर रहा है। यहाँ पर मैं इसको हेड मार सकता था बट भाई मेरा हेड शॉट नहीं लगा। अब गाइस ये बंदा जा चुका था ऊपर, मैं भी ऊपर जाता हूँ उसके पीछे पीछे, सामने ही हील कर रहा था बट वहाँ से ही मैं बच जाता है। अब गाइस सामने मेरे बंदा है ये, मैं यहाँ पर होता हूँ और डैमेज मारने की कोशिश करता हूँ बट गाइस पता नहीं इस ग्राउंड में मेरा गेम प्ले इतना ज़्यादा नूबड़ा कैसे हो जाता है और मैं यहाँ पर मर जाता हूँ। सीधा कूद के ये मेरे को वन टैप मार देता है। फिर गाइस नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है, यहाँ पर ये पैक हो जाता है, मैं इसको बहुत डैमेज कर देता हूँ भाई, 1 गोली का बचता है। फिर ये निकलता है बाहर, पता नहीं उल्टी सीधी गिलू बॉल डालने लग जाता है, इसने मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया यार। और ये भी भाई बहुत ज़्यादा ही डैमेज है क्योंकि मैंने भी इसको भाई 1-1 गोली करके बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया। अब देखो भाई और गोली मारी है इसको और अभी और ट्राई करूँगा इसको मारने का। अब मैं यहाँ से जाता हूँ एंड सामने ये बंदा है मेरे और भाई ये तो बहुत ज़्यादा चकमा दे रहा है यार, तगड़ा ही बंदा आ गया कोई सामने, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डैमेज देता हूँ। अभी गाइस 1-1 गोली का है, इतना तो मेरे को पता है। गिलू बॉल खोलता हूँ और भाई साहब क्या होगा गाइस, क्या होगा, ठीक है भाई गिलू बॉल लगा लेता हूँ, मूवमेंट तो मेरे को भी दिखानी पड़ेगी तभी ये कब्जे मारने वाला है। और ये तो भाई जोन में ही गिर गया, मैं बोल रहा था ना गाइस ये 1 गोली का है और ये सीधा जोन में ही गिर जाता है। फिर गाइस राउंड स्टार्ट होता है 3rd राउंड और यहाँ पर भाई ये बंदा तो भाई मेरे को क्या ही गंदा मारता है गाइस, मैं इस पर रश कर रहा था और भाई सीधा आके मेरे को 1 टैप ही मार देता है। वैसे गाइस मेरी गिलू बॉल नहीं लगी, ये मेरी गलती थी बट कोई ना गाइस, अब इसने भाई 1 राउंड की लीड ले ली थी, अब मेरे को कम बैक करना था। और यहाँ पर ये पैक हो जाता है, मैं इसको डैमेज तो करता हूँ, अब भाई ये गलती क्या कर देता है ना पता है, गिलू बॉल नहीं लगाता है और मैं इसको भाई गिलू बॉल हटा के पेल देता हूँ। अब गाइस राउंड स्टार्ट होता है अगला वाला और इस राउंड में गाइस बड़ा ही खतरनाक मैच गया था। एंड ये ऊपर से आता है भाई और मेरे को पेल देता है भाई चीटिंग करके, बट कोई बात नहीं गाइस सब कुछ अलाउ रहता है तो इसने भाई मार दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट राउंड में गाइस मैं इसको गजब सा भाई मारता हूँ एकदम शॉट कट्टे का और ये मैं जीत जाता हूँ। फिर अगले वाले राउंड में गाइस फिर से गाइस मैं इसको गंदा वाला पेल देता हूँ और भाई आता है सीधा रश करता है भाई, नूबड़ा सोच रहा था मुझे और भाई मैंने इसका भूत बना दिया। और इस राउंड में तो गाइस मैंने इसको 1 टैप मारा भाई, ये देखो भाई बाप तेरा ऐसा बोल के भाई मैंने इसको 1 टैप मारा। और इसके साथ में भाई मेरा हो चुके थे 5 स्कोर, उसके हो चुके थे 3 और लास्ट राउंड तक गाइस यहाँ पर कौन जीतेगा भाई, ये चाहता तो मेरे को यहाँ पर मार सकता था बट गाइस ये बंदा भी 1 टैप खेल रहा था, थोड़ा सा सही बंदा था ये। और अब आया फिर भाई मैंने इसको भाई 2 गोली मारी है, डैमेज तो है बंदा वैसे, ट्राई करते हैं भाई इसको इस राउंड में ही फिनिश करने का। और थैंक्स टू भाई ड्रैकी पैट और इसने भाई यहाँ पर मेरे को लोकेशन बता दी, मैं रश करता हूँ और यहाँ पर भाई ये ले बेटे 1 टैप, कहानी ख़त्म। और इसी के साथ में गाइज मैं इस मैच को भी भुया कर देता हूँ और इस मैच के ही पैसे गाइज मेरे को 5 से 10 मिनट के अंदर क्रेडिट हो जाते हैं। इसके साथ में गाइज हमारा बैलेंस हो चुका था ऐप का 80 रुपीज़। अब बढ़ते गाइज नेक्स्ट मैच की तरफ, नेक्स्ट लून वुल्फ के मैच में मैं सीधा स्टार्ट होके भाई पहले ही डेजर्ट ईगल और कट्टा और इसके साथ में एक UMP खरीद लेता हूँ। और यहाँ पर भाई मैच बहुत ख़तरनाक गया था ये वाला और सामने पता नहीं क्यों तो हल्के बंदे आ रहे थे, टक्कर भी नहीं दे पा रहे थे बट ये 3 मैच खेल के भाई मैं को बहुत ज़रूरी काम आ चुका था। तो अब मैं इसको मारने का ट्राई करता हूँ पहले राउंड में
और यहाँ पर मैं इसको मार तो नहीं पाता हूँ, बट मैं इसके ऊपर रश करता हूँ। ये बंदा थोड़ा सा तो नूबड़ापंती कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। और पहले राउंड में मैं इसको वन टैप मारने की कोशिश करता हूँ, और ये बंदा ना मेरे को पता नहीं कितना गंदा वन टैप मार देता है। और पहले राउंड में तो जो इसने मारा मेरी तो भाई फट गई, मेरे को लगा भाई मैं हारूंगा। फिर सेकंड राउंड में इसको डैमेज करता हूँ, और पता नहीं ये कौन सी गन चला रहा है भाई, ले भाई मैंने भर दी पूरी। और इसके साथ में मैं सेकंड राउंड जीत चुका था। अब गाइस थर्ड राउंड स्टार्ट हो चुका था भाई, सामने ये बंदे ने भाई SVD ले ली सिंगल, वन टैप खेलने आया क्या भाई, 30 रुपये गंवाने आएगा तेरे को। और यहाँ पर मैं वन टैप मारने की कोशिश, और ले बेटे मोज कर। और इसके साथ में गजब वाला हेड शॉट मार देता हूँ इसको, और इसकी ऐसी तैसी हो जाती है। और भाई तीसरा राउंड स्टार्ट हो चुका था, मतलब चौथा राउंड स्टार्ट हो चुका था, 3 राउंड अभी हो चुके हैं। अब चौथे राउंड में गाइस फिर से भाई ये वही वाली गन मेरे पास रहती है, मैं इसको ट्राई करता हूँ वन टैप मारने को, लग भी जाता है। और ये वाला राउंड में भाई मैं इजीली जीत जाता हूँ। फिर गाइस बचता है अपना चौथा राउंड, चौथे राउंड में छोटा सॉरी पाँचवा राउंड, पाँचवें राउंड में गाइस MP40 ले लेता हूँ मैं, और इसके साथ में भाई क्या गंदा वन टैप मारता हूँ। ये बंदा ज़्यादा ही फ्रीली खेल रहा था, पता नहीं नूबड़ापंती क्या ही कर रहा था। इसके साथ में गाइस 4-1 का स्कोर हो जाता है। अभी बचता गाइस लास्ट बुइया वाला राउंड, अब देखते हैं गाइस इसमें क्या होता है। और मैंने भी अपनी मैन तो भाई MP40 और यहाँ पर ये दो गन ले ली थी, क्योंकि मैं M40 अच्छी चला लेता हूँ, एंड ये मेरे से गलती से ली गई, कोई बात नहीं। अब भाई मैं M40 से इसको मारूंगा, डैमेज देता हूँ मैं इसको, रश करता हूँ, बट यहाँ पर सीन हो जाता है। और भाई ये इस राउंड में मेरे को पेल देता है, मेरे को बहुत बुरा लगता है यार, क्योंकि ये बंदा कमबैक कर लेता तो भाई यहाँ पर मेरा टारगेट जो है 150 रुपये का वो नहीं हो पाता। ताहिर नाम था सामने वाले बंदे का। और भाई यहाँ पर अभी होता है गाइज लास्ट वाला राउंड, इस राउंड में गाइज मेरे को किसी भी हाल में इसको मारना था। और सामने वाले बंदे के पास गन चूज़ करने का जो ऑप्शन था, इसने डेजर्ट ईगल चूज़ कर ली, मतलब वन टैप खेल रहा है बंदा, मतलब मेरे को नूबड़ा सोच रहा है वन टैप के मामले में। तो मैं भी भाई फुल ट्राई करूँगा डेजर्ट ईगल से इसको वन टैप मारने का। मैं जाता हूँ भाई यहाँ पर, मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाला, तो मैंने यहाँ पर ये धुएं वाला मार दिया इसको, ट्राई करता। और भाई देखो गाइज यहाँ पर क्या होता है, ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा है, और इसके साथ में भाई वन टैप, और यहाँ पर गाइज मैं विन कर लेता हूँ। और इसके साथ में गाइज मेरे अकाउंट में हो जाते हैं 110 रुपये, तो मेरे को काफ़ी इंपॉर्टेंट काम आ गया था, जिसकी वजह से मेरे को जाना पड़ा, और आगे मैच में नहीं खेल पाया, और आगे मैच मैं खेलूंगा शाम को। तो अगर ये पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा, तो इसका सेकंड पार्ट अगर आप लोगों को चाहिए, तो वीडियो के नीचे कमेंट में लिख देना पार्ट 2, तो मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। और इसके जो पैसे थे मैंने यहाँ पर विड्रॉल लगा लिए थे, 110 रुपये मेरे पास हो चुके थे, मैंने 50 रुपीज़ विड्रॉल निकालने की सोची, और मैं बाकी बचे हुए पैसे से गई मैं टूर्नामेंट खेलने वाला हूँ आगे। उसका पेमेंट प्रूफ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, विड्रॉल आया है नहीं आया है। तो गाइज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर 50 रुपीज़ का विड्रॉल यहाँ पर लगा दिया, अभी तो यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा था। अब वापस जैसे ही मैं गाइज़ ऐप को एक बार रीस्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा सक्सेसफुल भी हो जाता है, मतलब 2 मिनट के अंदर गाइज मेरे जो पैसे हैं मेरे अकाउंट में आ जाते हैं, मतलब मेरी UPI ID में आ जाता है, यहाँ पर सक्सेसफुल आ चुका है। और इसका पेमेंट प्रूफ भी आप लोग देख सकते हो, 50 रुपये मेरे को 11:52 पर यहाँ पर आ चुके थे पैसे। और भाई ये एप्लीकेशन का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, थोड़ी न्यू एप्लीकेशन है, थोड़े बग वग देखने के लिए मिल सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन बहुत ट्रस्टेड है। तो जाके गाइज आप लोग सपोर्ट दिखाना और डाउनलोड करना ज़्यादा से ज़्यादा, और टूर्नामेंट खेलना। और नेक्स्ट पार्ट में गाइज हम लोग ट्राई करेंगे भाई इन 110 रुपये से सीधा 500 रुपये कन्वर्ट करने का। तो नेक्स्ट पार्ट अगर आप लोगों को चाहिए, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना नेक्स्ट पार्ट, और आप लोग के लिए नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। चलो गाइस मैं मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना।